दोस्तों हम लोग आ पहुँचे हैं गोरखपुर भोजपुरी एक्टर कृष्ण कुमार के मकान पे। ये बहुत ही भव्य तरीके से मकान बनाया गया है वास्तुशास्त्र को देखते हुए। और इस मकान की खासियत ये है कि इस मकान पूरी तरह से एयर वेंटिलेशन से बना हुआ है, कारण कि इस मकान के तीन तरफ से सड़कें हैं, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ऐसा मकान बहुत कम मिलता है देखने को। ये इस मकान का हम लोग फ्रंट व्यू की तरफ दिखाते हैं। ये इसका फ्रंट शो है। ये एंट्रेंस है। मंजिला इस घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश करते वास्तुशास्त्र के हिसाब से ईस्ट और नॉर्थ के कॉर्नर पे पूजन की व्यवस्था है, जो वास्तु के हिसाब से शुभ माना जाता है। और ऊपर इस मकान के ईस्ट नॉर्थ के कॉर्नर पे ये मंदिर स्थापना हुई है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सब सेम ही हैं, तो आपको सीढ़ी के रास्ते हम लोग सेकंड फ्लोर पे चल रहे हैं। ये सेकंड फ्लोर पे हम आ गए। सेकंड फ्लोर के रूम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। एक बढ़िया सा हॉल डिजाइन किया हुआ है। देन एक किचन बना हुआ है। अभी हम लोग प्रवेश इसमें लोग नहीं किए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में सवारियां नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से सामान भी शिफ्ट नहीं हो पाया है। अटैच टॉयलेट बाथरूम पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ओम विमलोकुपिं विमलोकुपिं भैरवीय प्रातनिकी प्रबल प्राविचारम भज्य मेरा बनाओ ऐसे पहले तुम जाओ अंगूठी पाने ही है। इसे हाथ में जल ले लीजिए। आप लोगों को भी थोड़ा दे दीजिए जल। धरती माता का ध्यान करिए। ओम पृथ्वी इति मंत्रस्य मेरु पृष्ठति सूतलम छंदा कुर्मो देवताया सन पवित्र कर्णे विनियोग। ओम आधार शक्ति नमः वसुंधराय नमः। छोड़ दीजिए जमीन पर। हाँ प्रणाम।
Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.